हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस के आज जो 8 जनवरी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो भेजे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है, जिससे हम आने वाले वीडियोस की अब आपके लिए लाते रहें। और फ्रेंड्स, दबाइएगा इस बेल आइकन को ज़रूर, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दिया जाएगा कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपने जो है आप सब्सक्राइब हमारा बटन चैनल कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आज के कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि मंगोलिया की राजधानी कौन है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी का नाम पूछा गया था, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसका नाम है उलान बतौर। आज तक जो है किसी की भी आपने बताया नहीं होगा, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ला कर रखा है कि उलान बतौर है मंगोलिया की राजधानी। जिन लोगों ने ये उत्तर दिया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको आपने बताइए फ्रेंड, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ताकि हम अपने अच्छा कट ऑफ ला सकें कि आपने जो है वो कितने क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक 2020 कहां पर आयोजित होंगे। तो देखिए, कल पूछा गया था कि 2016 कहां हुए थे, तो ये आपका हुए थे रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राज़ील में हुए थे, और ओलंपिक 2020 होंगे आपका टोक्यो में। कल के एनालिसिस में आपको मैंने आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया था। जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा उन्होंने आज क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। राइट आंसर है आपका, नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये भारत में प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य का नाम है आपका कर्नाटक। ठीक है, ये साउथ का राज्य है कर्नाटक, और यही जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनोबा भावे का इनमें से किससे संबंध है। तो देखिए, विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इनका संबंध हो जाएगा इससे। बहुत सारे आपको ऑप्शन दे रखे थे, ये आंदोलन, ये सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूदान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केरल के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है केरल के मुख्यमंत्री, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका पिनारई विजयानन। पिनारई विजयानन है केरल के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिलाल कानिया। ठीक है, हरिलाल कानिया जो है वो प्रथम चीफ जस्टिस थे आपका सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो देखिए, प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है ये बनवाया था आपका अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने इसका निर्माण करवाया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण में फैली वायु की परत को क्या कहते हैं। तो देखिए, वातावरण फैली वायु की परत को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसे वातावरण। ठीक है, वातावरण मतलब वायु का आवरण, मतलब वायु से ढका हुआ जितना भर, आवरण कहते हैं ढका हुआ, तो वायु से ढका हुआ जितना भर इलाका है उसे कहते हैं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, आप मेरे हमारे यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं आ पाए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं आ पाए हैं, आप मुझे यदि इसके ऑप्शन यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं हर कमेंट का आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो आप यदि जिन लोगों को ऑप्शन याद है वो हमें लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसका। नेक्स्ट है आपका, पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। देखिए, पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए पहले 33% सीटें आरक्षित थी। ठीक है, लेकिन उससे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने अब 50% कर दिया है। ठीक है, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2018 से जो है कई प्रश्न पूछे गए थे। आप देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 2018 के खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय का कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए, 1950 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था तब उस समय आंदोलन हुआ था आपका बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन ये हुआ था आपका आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक हैं आपका खुशवंत सिंह। द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये है आपका खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया में कौन सा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, इसके भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ पाए हैं, तो
जिन लोगों को ऑप्शन याद हैं या फिर जिन लोगों को लगता है कि यही हमारा राइट आंसर है, जो लोग कंफर्म है वो लोग कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि और लोग जो है अपने आंसर को मैच कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है पाए हैं, ऑप्शन यदि हमारे पास होते यहाँ पर फ्रेंड ना तो हम बता देते। हो सकता है कि देखिए मेक इन इंडिया में कौन सा विभाग महत्वपूर्ण है, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आज तक के कोई सा भी एग्जाम उठा के लिख लीजिए आप, सब में जो है वो दिवस यानी डे तो जो है वो पूछा ही गया है। तो आप पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है, 5 जून पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भारतीय राज्यों का एक लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए भारतीय राज्यों का लोक नृत्य नहीं है, तो भारतीय राज्य के लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, आपका जो कथक हो जाएगा, ठीक है, कथकली हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे हैं, तो इनमें से आपको जो है ये तो बता दिया मैंने जो भारतीय नृत्य हैं, अब जो नहीं है वो इनमें से वो लगा दीजिएगा आप, तो उसका भी राइट आंसर आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड। फ्रेंड आपके लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको लगे हाथों यहाँ पर बता देता हूँ। जिन लोगों का भी फ्रेंड आने वाले समय में एग्ज़ाम है, यूपीपी का हो, एसएससी जीडी का हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो इलाहाबाद मंडी परिषद का, ठीक है, देखिए मैंने उनके लिए एक ईबुक तैयार किया है। ये ईबुक जो है फ्रेंड मैंने इस बेस पर बनाया है, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चला था 3 महीने, ठीक है, एएलपी का एग्ज़ाम चला था आपका काफ़ी दिनों, उस पर बेस सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, और फ्रेंड जो भी आपका यूपीपी के क्वेश्चंस थे, वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस थे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी हाल ही में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी पैटर्न पे मैंने जो है यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो लगभग 1500+ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जो है देखिए दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए भी जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, और टॉपिक कौन कौन से हैं, जीके, जीएस और यहाँ पर जो है साइंस के मैंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया है आपके लिए। तो विषय सूची आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से संपूर्ण परिचय है, भारतीय संस्कृति और राजकीय नृत्य हैं, मैंने उनको क्रम वाइज लगाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राज्य घटनाएँ और राष्ट्रीय घटनाएँ हैं, ठीक है। वर्तमान में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, 1 से 2 क्वेश्चन तो अक्सर मिल जाते हैं। सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों की राजधानी है, ठीक है, और फ्रेंड सभी राज्यों के हाई कोर्ट हैं अपने कहाँ कहाँ स्थित हैं, और नेक्स्ट है आपका सभी राज्यों के राज्यपाल हैं आपका, भारतीय संविधान है आपका यहाँ पर, और फ्रेंड इस प्रकार से जो है मैंने कई सारे इसमें टॉपिक ऐड किए हैं। तो आपको 25+ टॉपिक जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है अच्छा लगेगा, और आप इसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड और बाकी जो है पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है हम डेली यहाँ पर पोस्ट करते हैं जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होता है, ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर पोस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा डिजिटल स्टडी के नाम से, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक